तीन मशीन डिलीवरी के लिए जा रही है, जो कस्टमर ने नाम बोला था मोनिका आइसक्रीम, नाम यहाँ पे पूरा स्टिकिंग कर दिया और पूरी मशीन की टेस्टिंग और लाइव डेमो दे रहे। इतना बेहतरीन फ्लेक्स बन रहा है। इसका आपको सेटिंग करना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट भी कर सकते हो। उसको स्नो बनाना है, फ्लेक्स बनाना है, क्या प्रोडक्ट इसमें से आपको क्रिएट करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए, कोई भी अपने लिक्विड बेस में आप फ्लेवर डालेंगे, इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेक्स बन के तुरंत निकलेगा। देखिए, करेंगे तो स्नो का क्वालिटी वेरिएशन आएगा। इसमें भी अगर आपको फ्लैप निकालना है तो हम इसका स्पीड कम कर देंगे, तो इसमें भी फ्लैप भी निकलना चालू होगा। देखिए, फ्लैप टाइप का पट्टी बनना चालू हो चुका है। देखिए, यही मशीन के अंदर से फ्लैप, पहले स्नो टाइप निकल रहा था, अभी फ्लैप टाइप बन रहा है। देखिए, इसमें इसको जब धोना है, एक कप कितने का बनेगा, कितने में बिकेगा, कैसी कैसी वेराइटीज बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक आप देखिए, तभी आपको प्रोडक्ट की मालूमात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन की लाइव वीडियो हम देने वाले। हमारे 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, 24 घंटे में 80 किलो प्रोडक्शन वाली मशीन है। एक ही कस्टमर की तीन मशीन डिलीवरी के लिए जा रही है, जो कस्टमर ने नाम बोला था मोनिका आइसक्रीम, नाम यहाँ पे पूरा स्टिकिंग कर दिया और पूरी मशीन की टेस्टिंग और लाइव डेमो दे रहे। एक कप कितने का बनेगा, कितने में बिकेगा, कैसी कैसी वेराइटीज बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक आप देखिए, तभी आपको प्रोडक्ट की मालूमात डिटेल्स और जानकारी मिलेगी कि एक कप कितने में पड़ेगा और बाजार में आप कितने में इसको आसानी से सेल कर सकते हैं। तीनों तीन मशीन में हमने अलग-अलग फ्लेवर वाटर बेस वाला लगाया। आपको अगर मिल्क बेस डालना है तो मिल्क बेस बना सकते हो, वाटर बेस बनाना है तो इस तरह का वाटर बेस बना सकते हो। एक में हमने काला खट्टा डाला है, एक में रेड एनर्जी डाला है और एक में ऑरेंज का फ्लेवर डाला है। तीनों में हम अलग-अलग फ्लेवर्स का बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बनाने वाले दोस्तों। मशीन के अंदर आपको एक ही मशीन में से 100 प्लस वैरायटीज बनानी है तो 100 प्लस वैरायटी भी बना सकते हो। अगर सिंगल फ्लेवर बनाना है तो इस तरह के बाउल भर के कंप्लीट डाल सकते हो और कंटिन्यू पूरे बाउल में भरता रहेगा दोस्तों। अलग-अलग फ्लेवर बनाना है तो आपको इस तरह का बाउल लगाना है, आपको इस तरह से आपको खाली बाउल लगा देना है इसके ऊपर। अब देखिए, और ऊपर से जितना कस्टमर मांगेगा उतना कप वाइज आपको बना के देना है। 50 ml कप भर दिया, 50 ml कप का माल निकाल के कस्टमर को दे दिया, फिर दूसरा कस्टमर दूसरा फ्लेवर मांगता है तो दूसरा देना है, तीसरा कस्टमर तीसरा फ्लेवर मांगता है तो तीसरा देना है। तो इस तरह से आप अलग-अलग वैरायटी भी बना सकते हो। अगर आपको वन वैरायटी वन कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है तो एक कॉन्सेप्ट का कोई भी इस तरह का फ्लेवर आपको बना देना है, चाहे वाटर बेस है चाहे मिल्क बेस है। फिलहाल हमने वाटर बेस का फ्लेवर तीनों तीन डाला हुआ है। मशीन के अंदर हम लाइव टू लाइव डालेंगे। अब देखिए, लाइव टू लाइव इस प्रोडक्ट को आपके सामने डालेंगे। देखिए, इस तरह से आपको इसके अंदर डाल देना है। ये डाल दिया हमने फ्लेवर, इसमें लाइव टू लाइव बन के निकलने वाला है दोस्तों। अब देखिए, सीधा रोलर के ऊपर फिक्स हो चुका है इसका फ्लेवर काला खट्टा का। उसके बाद रेड एनर्जी का हम फ्लेवर डाल लेंगे दूसरे में। आप देखिए, इस तरह से आपको रेड एनर्जी का फ्लेवर डाल देना है। इसमें रेड एनर्जी डाल दिया, उसके बाद एक में डाल देंगे ऑरेंज का फ्लेवर। आप देखिए, किस तरह का फ्लेवर रखना है वो हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो कि इसका स्पीड कंट्रोलर कितना रखना है आपको। जितना स्पीड कंट्रोलर अप डाउन रखेंगे उस तरह का वैरायटी इसमें अंदर से बन के निकलने वाला है दोस्तों। अब देखिए, बेहतरीन क्वालिटी का बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बन के निकल रहा है। देखिए, लाइव टू लाइव डालने के तुरंत बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, पूरा बाउल भर के रेडी हो रहा है धीरे धीरे। 9 cm का हेवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील रोलर दिया गया है। आप देखिए, यहाँ पे रेड एनर्जी का फ्लेवर बन के निकल रहा है। आप देखिए, और यहाँ पे ऑरेंज का फ्लेवर बन के आ रहा है। तीनों तीन हमने फ्लेवर डाल दिए, तीनों तीन फ्लेवर आना स्टार्ट हो चुका है, फ्लेवर्स बनना चालू हो चुका है। उस तरह से आप कस्टमर को जितना रिक्वायरमेंट, जिस तरह से रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप उसको कप बना के दे सकते हो, फ्लेवर बना के दे सकते हो। देखिए, काला खट्टा का फ्लेवर बन के इसके अंदर आ रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का। आप देखिए, जब देख सकते हैं काला खट्टा का स्नो बिंगसू स्नो बन के निकल रहा है। और दूसरे में हमने सेटिंग किया है फ्लेक्स का, इसके अंदर फ्लेक्स बन रहा है, रेड एनर्जी का फ्लेक्स बन रहा है, ऑरेंज का भी यहाँ पे फ्लेक्स बन रहा है। देखिए, बेहतरीन क्वालिटी के फ्लेक्स के पट्टी बन रहे हैं इसमें। लाइव टू लाइव डालने के तुरंत बाद फ्लेक्स बनना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इस तरह से आप प्लेटर में लेके अलग अलग वेराइटीज के फ्लेक्स बना के कस्टमर को सर्विंग कर सकते हैं। आप देखिए, कितना बेहतरीन फ्लेक्स बन रहा है। इसका आपको सेटिंग करना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट भी कर सकते हो। उसको स्नो बनाना है, फ्लेक्स बनाना है, क्या प्रोडक्ट इसमें से आपको क्रिएट करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए,
कोई भी अपने लिक्विड बेस में फ्लेवर डालेंगे इस तरह का, बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेक्स बन के तुरंत निकलेगा। आप देखिए उसके बाद इस तरह का ऑरेंज लेना है तो ऑरेंज ले लेंगे हम थोड़ा। अब देखिए इसको आपको हटाना है, अगर फ्लेक्स निकालना है और हटाना है तो इसे हट भी सकते हो और सीधा डायरेक्टली आप प्लेटर में फ्लेक्स ले सकते हो। अब देखिए उसके बाद इस तरह से स्नो भी ऐड करना है आपको काला खट्टा का, तो इस तरह से स्नो ऐड कर सकते हो। देख सकते हो कितना भर चुका है पूरा स्नो का बॉक्स। अब देखिए काला खट्टा फ्लेवर हमने डाला था उसका बेहतरीन स्नो बन के निकला इसमें। अब देखिए अलग अलग कलर का प्लेटर बनाना है तो आप अलग अलग कलर के भी प्लेटर्स बना के आसानी से अपने कस्टमर को सर्विंग कर सकते हो। अब देखिए इसके ऊपर अलग अलग तरह के डेकोरेशन करने हैं आपको, इस तरह से स्प्रिंकल्स रहते हैं तो अलग अलग स्प्रिंकल्स ऊपर से ऐड करने हैं। आप देखिए मिल्क बेज है, वाटर बेज है, ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करना है और कुछ भी ऐड करना है, आप बेहतरीन क्वालिटी का स्नो बना के आप दे सकते हैं। देखिए एकदम रूई जैसा पाउडर टाइप का स्नो बना है इसमें से। अब देखिए ग्लास में अलग अलग कलर्स के देने हैं तो इस तरह से कप में भी आप निकाल सकते हो। आप देखिए हमारे पास कप भी पड़े हुए, तो इस तरह से आप कप में भी फिलिंग कर सकते हो। आप देखिए कस्टमर को कप में देना है, पेपर कप में देना है, डिस्पोजल ग्लास में देना है, प्लेटर में बना के देना है, जैसे भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है आप इस तरह से उनको भर के कोई भी फ्लेवर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आप दे सकते हो। अगर इस तरह का सिंगल फ्लेवर आपको देना है तो सिंगल फ्लेवर में भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, अलग अलग तीन वेरायटी का देना है तो एक ही मशीन में से, ऐसा जरूरी नहीं है तीन मशीन आपको लेना जरूरी है। अगर क्राउड ज़्यादा है, कस्टमर का लोड ज़्यादा है तो आप एक साथ दो तीन मशीन ले सकते हो या इससे बड़ी मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन एक मशीन से भी अपना टेम्पररी बिजनेस कर सकते हो। इस तरह के बाउल ऐड करके इस तरह का बाउल डालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर से आप फ्लेवर को ऐड करना है और इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी के स्नो बेस फ्लैप टाइप कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो एक ही मशीन में से। तीनों मशीन हमने आपको इसलिए डिफरेंट डिफरेंट दिखाए, देखिए इसका फ्लैप हमने आपको इस तरह ही डिफरेंट दिखाया कि यही मशीन में से अगर आपको ऐसा फ्लैप भी निकालना है तो आप फ्लैप भी निकाल सकते हो, इस तरह का स्नो पाउडर निकालना है तो इस तरह का स्नो का पाउडर भी आसानी से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह का फ्लैप ले लेंगे। आप देखिए जूम करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। आप देखिए अलग अलग तरह के डेकोरेशन करके भी आप दे सकते हो। आप देखिए हमने रेड का फ्लेवर डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा ऑरेंज का फ्लेवर हम लेंगे इसमें से। आप देखिए स्पीड कंट्रोल यहाँ से आपको करना है तो स्पीड कम ज्यादा आप यहाँ से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। आप देखिए ऐसी पट्टी भी निकालनी है तो इस तरह की ग्रिप भी आप निकाल सकते हो। आप देखिए एक कप बनाए दोस्तों 2 से 2.5 रुपए के अंदर आप बाजार में कम से कम 15 या 20 रुपए में आसानी से डिफरेंट डिफरेंट वेरायटी का स्नो बिंगशु कोरियन आइसक्रीम इस तरह से निकाल सकते हो। आप देखिए इसका क्वालिटी देखिए एकदम मलाई जैसा है दोस्तों, भले हमने पानी डाला है लेकिन एकदम रबड़ी और मलाई जैसा इसका टेस्ट है। अब देखिए ये मशीन के अंदर आप इस तरह से फिर भी इसमें और भी एडिशनल करना है आपको, डेकोरेशन करना है तो ऊपर से और भी डेकोरेशन भी कर सकते हो। अब देखिए इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हो। मशीन को धोना और वॉश करना और क्लीन करना भी बहुत आसान है, पूरी आसानी से आप क्लीन कर सकते हो। क्लीनिंग के लिए एक कंप्रेसर का बटन है, यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड कम ज्यादा आप करेंगे तो स्नो का क्वालिटी वेरिएशन आएगा। इसमें भी अगर आपको फ्लैप निकालना है तो हम इसका स्पीड कम कर देंगे तो इसमें भी फ्लैप भी निकलना चालू होगा। देखिए फ्लैप टाइप का पट्टी बनना चालू हो चुका है, देखिए यही मशीन के अंदर से फ्लैप, पहले स्नो टाइप निकल रहा था अभी फ्लैप टाइप बन रहा है। देखिए इसमें इसको जब धोना है आपको वॉश करना है तो ये बटन आपको बंद कर देना है, इसलिए कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, जो रोलर को चील्ड हो रहा है, रोलर ठंडा हो रहा है वो इसके अंदर क्लीनिंग हो जाएगा और अच्छे से ये पूरा पिघल जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से बाउल निकाल लेना है इसका। देखिए बाउल निकालने के बाद इस तरह का इसका ये प्लेट है, इसको भी निकाल देना है आपको। प्लेट के बाद आपको नीचे बाउल रहता है उसका नीचे का एक ट्रे रहता है उसको भी निकाल देना है। आप देखिए नीचे हमारे इसमें ट्रे है, ट्रे निकाल देंगे हम इसको, इसको भी निकाल के हम इसको धो देना है, अच्छे से वॉश कर देना है, साफ कर देना है। आप देखिए इसका रोलर घूमना चालू हो गया, देखिए पूरा पिघलना चालू हो चुका है, ये पूरा आइस जो रहता है आइस का पट्टी टूट चुका है। आप देखिए
ये ऊपर से जितना भी पॉड था वो पूरा निकल गया। उसके बाद इस तरह से ऊपर से एक या दो गिलास आपको पानी डाल देना, इसलिए अपना रोलर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप देखिए ये पूरा मशीन आपका क्लीन हो चुका है। रात को बंद करने समय आपको इस तरह से इसका रोलर धो देना है आपको, और इस तरह के इसके डीसीज और प्लेटिस धो देना है, और मशीन को कपड़ा ऊपर से लगा देना है, इसलिए आपका मशीन क्लीन हो जाएगा, मशीन वॉश हो जाएगा अच्छे से प्रॉपरली। ये मशीन है हमारी 24 घंटे में 80 किलो प्रोडक्शन निकालती है। इससे आपको बड़ी मशीन चाहिए तो हमारे पास 24 घंटे में 250 किलो वाली डिजिटल मशीन भी, हैवी ड्यूटी भी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मशीन पड़ी है, 24 घंटे में 250 केजी प्रोडक्शन निकाल रही है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर का रोलर दिया गया है, डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, 1 HP का इमराको कंपनी का कूलिंग सिस्टम डाला हुआ है। उसके बाद उससे भी बड़ी चाहिए आपको, पार्टी शादी के फंक्शन को ऑर्डर को काउंट करना है, बड़े मेले में लेके जाना है, तो 16 सेंटीमीटर का रोलर है, डिजिटल टच पैनल दिया है, और 1.5 HP का इमराको कंपनी का कूलिंग सिस्टम दिया है। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीनों की ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। मशीन की प्राइस क्या है, मशीन में डिस्काउंट कितना चल रहा है, कैसे मशीन मिलेगी, कितने टाइम में मशीन मिलेगी, तो हर एक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।